किस्सा जो आज भी गूंजता है बिग बॉस के किचन में, वो कौन सा किस्सा है जो गूंजता रहता है? बिग बॉस कलर्स टीवी वालों ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो है एक वीडियो शेयर की है और वो वीडियो जो है बिग बॉस 13 की है। अभी बिग बॉस के मेकर्स जो है वो ये चीज बोल रहे हैं कि आज भी जो है बिग बॉस के घर में जो किचन है वहां पर इसकी यादें और इसकी आवाजें जो है वो गूंजती है। जिस वीडियो को देखने के बाद लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों को फिर दोबारा से हंसी आ गई है और कुछ लोग जो है वो निराश भी जरूर हुए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी रू। तो गाइस मधुरिमा और विशाल को तो आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस 13 में। बिग बॉस 13 के जितने भी कंटेस्टेंट है उनको भूलना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटी के साथ आए थे और अलग अलग चीजें वो करते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण जो है बिग बॉस 13 जो है वो हिट रहा। और जनता जो है अभी बिग बॉस 16 को भी जो है हिट देखना चाहती है और यही मेकर से डिमांड करती है कि बिग बॉस 13 जैसा बिग बॉस 16 जरूर होना चाहिए और मेकर जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपने कलर्स टीवी के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये चीज लिखी कि एक ऐसा किस्सा जिसकी आवाज आज तक गूंजती है बिग बॉस के किचन में, और ये बात करते हुए उन्होंने मधुरिमा और विशाल का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, जहां पर वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए नजर आए और मधुरिमा जो है विशाल पे उनके बम पे जो है पैन बरसाती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन चुका था और इस मुद्दे को काफी बार ड्रैग भी किया गया और मधुरिमा और विशाल ने भी सामने आके ये बात बोला कि बार बार इसे किस्से को दोहराया ना जाए। पर भाई ये बिग बॉस के घर में हुआ है, यानी कि ये किस्सा भी जो है बिग बॉस का हक है इसको दिखाना, तो इसीलिए बिग बॉस जो है एक बार फिर से इस वीडियो को दिखा के लोगों का ध्यान अपने और जो है आकर्षित कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं कि क्या मालूम अभी आने वाले सीजन में ऐसा ही कुछ हो। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।